क्लास, वेलकम बैक। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये डाउट क्लास होगी। सो मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स लिए हैं कि उनको विदाउट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कि किस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स करा दें। तो हम आज 1 से 2-3 प्रोग्राम करते हैं एंड देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद इन अ सिंपल वन कि हमारा सिंपली प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। ओके सो ये आप पढ़ चुके हैं कि हमारा फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डेफ का यूज़ करते हैं। सो हियर आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा है हे। ओके मैंने ये नेम रख दिया एंड एज माय आर अदर लूप्स, इफ स्टेटमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, कुछ भी हो गया, तो इधर भी हम डेफिनेशन के लिए, अपने फंक्शन डेफिनेशन के लिए कॉलन यूज़ करेंगे सो दैट ये इस तरीके से फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। ओके सो नाउ इसके अंदर मैं सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराने वाली हूँ। क्या प्रिंट? गुड मॉर्निंग। ओके मैंने ये मैसेज क्या कराया है, प्रिंट कराया है। और आफ्टर दिस इन जस्ट माय लाइक कोई भी वैल्यू, उसके अंदर मैं यहाँ पे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, जैसे डेफिनेशन से बाहर निकले मैं अपने मेन प्रोग्राम स्टार्ट करूँ या दूसरा फंक्शन क्रिएट करना चाहूँ, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया सिंपली हे लिखकर। आई जस्ट कॉल दिस हे। ओके एंड आई एम जस्ट प्लेइंग इट। यू कैन सी हियर गुड मॉर्निंग मैसेज, राइट? यू कैन सी गुड मॉर्निंग। नाउ आफ्टर दिस गुड मॉर्निंग We will try to store this good morning in something. Okay, so मैंने इस good morning को hey के अंदर save कर दिया and then I'm just printing x कि मेरे x के अंदर यही good morning show होगा या नहीं होगा, right? क्योंकि देखो मैंने hey को call किया, good morning मेरा hey में आ गया और वो मेरे x में store हो गया है, तो वो x की value को print क्या कराएगा? So let's play. It's playing none. As you can see here, none. आपको x की वैल्यू none शो हो रही है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रिटर्न वैल्यू दे ही नहीं रहा है. ओके मीन्स यहाँ मुझे एक वैल्यू एड करनी है, रिटर्न वैल्यू, कि मुझे ये स्टेटमेंट रिटर्न हो. ओके कि मुझे इस स्टेटमेंट को क्या करना है, रिटर्न करना है. सो इट विल बी टर्न आउट लाइक दिस. से return and here I'm typing like C. Good morning. Now here I'm printing C and also returning C. Okay. सो लेट्स सी नाउ क्या होगा, एरर शो होगा या क्या होगा कि हे कॉल होते ही सी में गुड मॉर्निंग जाएगा, देन वो प्रिंट सी कर देगा एंड उसी सी की वैल्यू को रिटर्न भी कर देगा. प्ले नाउ यू कैन सी बॉट टाइम्स इट्स गुड मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ नन वी आर सीइंग गुड मॉर्निंग. ओके सो अगर हमें अपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डलवानी है, राइट, मुझे अगर इसको प्रिंट एक्स करवाना है, मेरे फंक्शन की वैल्यू को मैं किसी में स्टोर करा रही हूँ फिर प्रिंट करा रही हूँ, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होनी ही होनी चाहिए. विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, वो आपको नन शो करेगा. ओके सो अब हम एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं. सम का. ओके सो लेट्स से हियर इज सम. ओके सो अब सम के अंदर हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, लेट्स सी. सो हम इसके अंदर काम करेंगे कि मैंने क्या लिया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड हियर आई एम जस्ट रिटर्निंग return
सी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पी इक्वल्स टू 4, आर इक्वल्स टू 6 एंड एक्स इक्वल्स टू माय सम फंक्शन कॉल एंड देन प्रिंट माय एक्स। सो नाउ अब हमें ये देखना है कि हमारा जो सम है, मतलब जो हमारी सी की वैल्यू है, वो पी और आर की वैल्यू उठाएगा या ए बी की वैल्यू उठाएगा। सो ऑब्वियसली 11, वाई? बिकॉज उसने ए बी उठाया, क्योंकि मैंने पी और आर को तो पास ही नहीं किया, राइट? मेरे पैरामीटर्स पास होके मेरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स बने ही नहीं हैं। सो फॉर दिस आई जस्ट गोना डू लाइक दिस, ओके? आई एम डूइंग हियर पी एंड क्यू, मैंने पी क्यू को पास किया और पी क्यू मेरे यहाँ के ए और बी बनेंगे, क्योंकि सम में क्या लिखा है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए कॉमा बी, राइट? सो नाउ लेट सी वॉट हैपन्स, वो स्टिल 5-6 लेगा या 4-6 लेगा, ओके? मतलब आंसर 10 आएगा या 11? इट्स शोइंग एन एरर, व्हाई? नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, इट्स नॉट पी क्यू, इट्स आर प्ले, इट्स स्टिल शोइंग 11, व्हाई? बिकॉज मेरी यहाँ पे अब वैल्यू चेंज हो गई है, इसने दिया तो 4 था, राइट? पी की वैल्यू ए में गई 4। अब अगर मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट्स हटा दूंगी, देन माय वैल्यू विल बिकम लाइक दिस 10, क्योंकि मेरी इस वैल्यू क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, ठीक है? ये मैं प्रोग्राम अच्छे से करवा चुकी हूँ आपको कि आपका किस तरीके से वैल्यूज चेंज होती है, नहीं होती हैं, जो मैंने वीडियो शेयर की है उसी पे, ओके? नाउ अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए हमने पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, जब हमें खुद से वैल्यूज देनी है, राइट? मींस के आपके मेन फंक्शन से, मेन प्रोग्राम से आपके फंक्शन के अंदर वैल्यू चाहे, आप ये चाहते हैं, तो आपको आपके आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स पास करवाने ही करवाने पड़ेंगे। बट इफ आप चाहते कि फंक्शन खुद ही अपनी वैल्यूज उठा लें, उस केस में आपको कोई नीड नहीं है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करने की, ओके? सो नाउ हम ले लेते हैं कोई भी प्रोग्राम से, ए बी ले रही हूँ मैं, ए बी सी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एब्सोल्यूट, मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव वैल्यू, इस तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, ओके? तो सी कैसे होता है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सपोज क्योंकि मैं तो वैल्यूज पास करने वाली हूँ, से मैंने पास कर दिया ए, ओके? सो नाउ आई एम राइटिंग हियर व्हाट जस्ट इफ ए greater than or equal to 0, then print a, or you can simply type here return a, return a, right? Else return minus a, means greater than 0, अगर आपकी value positive है तो positive return कर दे, unless negative है तो negative, इस तरीके का कुछ program है। तो अगर negative value होगी, so minus minus तो plus में change हो जाता है ना, so let's see what happens now, I'm just typing here say p equals to 5, okay, and I'm typing print abc p, मैंने यहाँ p argument पास कर दिया, और सेम मैं क्या करूंगी,
यहाँ पे करूँगी क्या, q इक्वल टू माइनस 3, दोनों वैल्यूज लेके देखते हैं ना, प्रिंट ए बी सी से इट्स माई क्यू क्लोज. नाउ सी व्हाट हैपेंस, माई 5 एंड माइनस 3, इट्स 5 एंड 3, एज आई टोल्ड यू माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव. ओके, सो ये सिंपल प्रोग्राम थे फंक्शन के. अगर आप अब देखो इसको यहाँ पे, अगर आप फंक्शन यूज ना करके लूप लगाते, आप इनपुट वैल्यू लगाते, ऑब्वियसली अगर आपको खुद से वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते, फोर लूप के अंदर आप कुछ इस तरीके से लिखते ना, इफ आई जस्ट कंपाउंड इट यू विल लाइक फोर आई इन द रेंज, आप जितना भी टाइम चलाना चाहे, राइट, फोर आई इन द रेंज. ओके, और अगर आप एक टाइम के लिए करते हैं सिर्फ एक ही के लिए, तो यू कैन टाइप वाइल ए ग्रेटर देन समथिंग लाइक दिस. ओके, आप लिखते इस तरीके से, से आई लिखिंग फोर आई इन रेंज 0.3, कि ये 2-3 times चलना चाहिए मेरा लूप, राइट. एंड इफ मैं यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ क्या लिखती, से ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, इवन मेरे को नंबर लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, इंट इनपुट वो तो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, एंटर द वैल्यू, मुझे ऐसे लिखना पड़ता, राइट. और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल देती, सिंपल. तो इस तरीके से काम होता, एंड मुझे बार बार वैल्यू एंटर कराना है, ये कराना है, वो कराना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं. एक बार लिखो, काम खत्म, जितनी बार देना चाहो लिमिटेड दो, ठीक है ना. यहाँ पे आपका 3 times चल रहा है, 3 times है, बट यहाँ से आप यूजर इनपुट ले लो, ठीक है. आप एक बार बस इसको फोर लूप में लगा दो, वाइल लूप में लगा दो, जिसमें लगाना है, लेते चलो लेते चलो लेते चलो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इट्स जस्ट कम्प्लीटली ऑन यू. ओके, सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं. इफ स्टिल नॉट, देन यू कैन सिंपली टेक्स्ट. ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम.